18 सितंबर को पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 सीटों पर मतदान होगा, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान होगा। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे। राज्य से धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया था। जम्मू कश्मीर में 2014 के मुकाबले सीटों की संख्या अब बदल गई है। इसके पहले जम्मू कश्मीर में 37 सीटें थी, जो बढ़कर 43 हो चुकी हैं। पहले कश्मीर में 46 सीटें थी, जो अब 47 हो चुकी हैं। 2024 के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, तब बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर वहां सरकार बनाई थी। हालांकि 2018 में सरकार गिरने के बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाना पड़ा था। अब चुनावों का ऐलान हो चुका है और इसके बाद वहां की पार्टियां क्या कुछ कह रही हैं, कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी, ये खुद वहां के नेताओं से अब आप सुनिए। आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है, और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते, बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। हुजूर, इन इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती? उम्मीद पर तो जिंदगी है। सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेटहुड होगा। जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के प्रोविंस हों, 10 साल से इंतजार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान किए और जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना आशीर्वाद दे रही है।